तो अभी मेरे पास जो गाड़ी है समझ लो आपको बताने जा रहा हूँ, एक गाड़ी ये पड़ी है मेरे पास, सेम गाड़ी एक और भी पड़ी है। इसका जो प्रॉब्लम मैंने कैसे इजी से सॉल्व किया आपको बता दे रहा हूँ मैं। पहले आप ये गाड़ी देख लीजिए, अब दूसरी गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये मेरे पास दूसरी गाड़ी है, ये देख लीजिए, ये ब्लैक कलर गाड़ी है और ये रेड कलर की गाड़ी है। इसका जो समझ लो मुझे चेक करने का था इसका वायरिंग का कैसे है, क्योंकि वायरिंग में मुझे डाउट था, तो इसलिए मैं दूसरी गाड़ी का ओपन करके देखा। इसका जो CDI का कनेक्शन सब देखा, इसका सब कनेक्शन देखा, तो उसमें कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम था, वायरिंग में उल्टा सीधा किया हुआ था, इसलिए गाड़ी का स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी आपको ये वीडियो ये बताऊंगा रेड वाली गाड़ी में कि कैसे उसको मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूँ, एकदम 100% सॉल्व हो चुका हुआ है। और भी वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ बताऊँगा, नॉलेज बताऊँगा कि आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, तो आपको बराबर परफेक्ट समझ में आ जाएगा वीडियो के अंदर। बहुत अच्छा अच्छा आपको वीडियो के अंदर मैंने बताया हूँ, और ऐसे इसी तरीके में बताता रहूँगा, आप देखिए। दोस्तों पल्सर 150 डिजिटल मीटर वाली गाड़ी है, इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको खाली वायरिंग दिख रहा होगा। और ये गाड़ी में जो स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग कौन से होता है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। स्पार्क प्लग का वायर में ये बोलते हैं स्पार्क प्लग का, हम लोग उसको बाटला कॉल बोलते हैं, सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है। इसमें करंट नहीं आ रहा था ये गाड़ी में, तो मैंने समझ लो 3 CDI चेंज करके देखा, तभी भी करंट नहीं आ रहा था गाड़ी का। और इधर एक छोटा से देखो रिले लगा हुआ है, अगर रिले भी ख़राब हुआ रहेगा तभी भी करंट नहीं आता है। अगर समझ लो आपको स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है, तो आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है आपको ये वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है आपको बता दे रहा हूँ मैं। समझ लो स्पार्क प्लग में गाड़ी में जो डिजिटल मीटर होता है, डिजिटल मीटर में क्या होता है, जो स्टार्टिंग कॉइल, ये गाड़ी में स्टार्टिंग कॉइल नहीं आता है, ओनली खाली पिकअप कॉइल आता है। पिकअप कॉइल को वायर ए है, पिकअप कॉइल का वायर अगर आप उसमें मीटर आपके पास है तो मीटर से इधर लगाना चाहिए, लगाओगे तो उसमें आपको जैसे इंडिकेटर वाला रहेगा साउंड, और साउंड आएगा अगर ख़राब हुआ रहेगा एकदम, तो उसमें इंडिकेटर कुछ भी नहीं बताएगा। जो डिजिटल टाइप जो मीटर होता है जिसे आप चेक करते, ये ऐसे मीटर रहेगा, तो आप ये देखिए एरो बना हुआ, एरो आप यहाँ लिखाना चाहिए, देखिए ये साइलेंस में लिखा हुआ है इधर, इधर जब आप लेके आओगे तो आप इधर जैसे एक वायर इधर को जैसे मेन वायर है आपने यहाँ लगाए, एक बॉडी में 8 दिए, आपको पहले मैं दिखा दे रहा हूँ सिंपल। अब ये देखिए इसने अर्थिंग पकड़ा हुआ है देखिए, और इसका जो वायर आया हुआ है ये CDI का कनेक्शन है। अभी आप ये देखिए 1 है, अभी इसमें लगा रहा हूँ मैं, ये देखिए साइलेंस भी आ रहा है। अभी इसमें लगाने के बाद मैंने वायर लगा रहा हूँ, देखिए ये इसमें कनेक्शन में कर दिया हूँ, देखो ये देखिए बता रहा है इसमें कि अगर कभी भी ऐसे बता रहा है तो समझ लेना चाहिए। सबसे पहले आपको समझ लो ये चेक करना, चेक करने का सबका तरीका अलग होता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ मैं। अभी मेरा चेक करने का तरीका समझ लो ये है, अब इसको चेक करने के बाद सेकंड टाइम आपको जो रिले होता है, ये रिले सेकंड टाइम में आपको ये चेक करना है कि इसमें भी करंट है, एक वायर में करंट आता है, कौन से वायर में आता है ये देखिए, ये देखिए इसमें दो, एक ही वायर में दो कलर है, इसमें कंपलसरी करंट आना चाहिए। चाबी इंजेक्शन जब चालू करते हो, जब कीक मारते हो, तो करंट इसमें आना चाहिए। अगर करंट नहीं आ रहा है तभी भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अगर समझ लो आपके गाड़ी में बैटरी नहीं है, जब कीक मारोगे देखो ये वायर है जो बैटरी को जो चार्ज करता है, आप इधर करके इसको देख लेना चाहिए स्पायर करके कि करंट आ रहा ही नहीं। अगर करंट इसमें नहीं आएगा तभी भी गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होगा, बैटरी ख़राब चार्जर ख़राब तभी भी गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि ये गाड़ी बहुत सारा से प्रॉब्लम था, मैंने सॉल्व कर चुका हूँ, कभी आपके पास आया तो ईजी से बहुत ईजी से हमारे वीडियो थ्रू से आप कर सकते हो। अभी जैसे आपको अगर डायरेक्ट करना है, इसमें आपने चेक कर लिया करंट आ रहा है, और इसको अगर डायरेक्ट करना, एक वायर देखो यहाँ लगाना चाहिए, दूसरा वायर इधर, एक इधर आजू बाजू में लगाओगे तो
तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए। आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो एक इधर एक ही कलर में दो वाइट है और एक ग्रे कलर का वायर है, देखिए। तो एक जो कनेक्शन होता है, ये वायर जो है कहाँ गया हुआ है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए। ये जो होता है CDI, ये CDI के थ्रू में ये जाता है वायर। आपको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस दिखा दे। जैसे आपको अगर नहीं मालूम पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया हूँ, ये देखिए सुरक्षित जो आपको बता रहा हूँ मैं, इसका जो होता है वायरिंग करने का तरीका वापस रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। वायरिंग करने का जो तरीका होता है, कैसे इसको किया जाता है, आपको पता है वो सॉफ्टवेयर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी ये पोजीशन में मैंने रखा हूँ, देखिए ये राइट साइड में खड़ा है। इसका जो पोजीशन लगाने, देखिए ऐसे है, इसका जो क्लिप होता है देखो ऐसे है, और दूसरा वाला ये तरीका है, ये देखिए। तो इसका जो वायरिंग का होता है, ये देखिए वाइट और सफ़ेद, वाइट और लाल कलर का ये वाला जो वायर है इस तरह ऊपर रहना चाहिए, और जो ये ब्लैक और ब्लैक कलर में पीला कलर का है, एक जैसे ब्लैक में जैसे मान लो पीला कलर का वायर है एक, तो ऊपर लगता है, देख लीजिए पोजीशन, देख लीजिए वही पोजीशन में। कभी आपके पास अगर गाड़ी कोई इसका वायरिंग का प्रॉब्लम था, अभी जो वायरिंग होता है इसको मैंने सीधा किया हूँ, जो पोजीशन आपको मैं दिखा रहा हूँ यही पोजीशन में आपको करके वायरिंग काम करना है। अब ये देखिए रिले भी डायरेक्ट कर दिया, तभी भी गाड़ी में करंट नहीं आ रहा था, नया CDI भी डाल दिया तभी भी करंट नहीं आ रहा। इसका जो प्रॉब्लम था यहाँ का वायरिंग का प्रॉब्लम था, मैंने वायरिंग सीधा कर चुका हूँ। वापस देख लीजिए पोजीशन में आपको बराबर दिख रहा होगा, ये देखिए सेम इसी तरीका रख के आप इसको वायरिंग को कर सकते हो। वापस रिपीट रहा, राइट साइड में खड़ा किया हुआ, इसका जो पोजीशन में देखो यहाँ यहाँ लगाओ इधर लगता है, और ये वाला साइड में लगाओगे दो वाला वायर तो देखिए यहाँ ऐसे लगता है। पोजीशन देख लीजिए वायर का, ये देखिए, और ये भी देख लीजिए। अभी वापस रिपीट करने जा रहा हूँ, गाड़ी में अगर करंट नहीं आ रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए, वापस रिपीट कर दे रहा हूँ। ए वायर में ए मीटर ऐसे रहेगा तो इसमें आपको इंडिकेटर से बताएगा एक पे हो, सेकंड टाइम में आपको इधर चेक करना है। इसको सब आपको बता दिया हूँ मुझे, आप बीच में कस्टमर आ गए थे तो इसलिए वीडियो को कट करना पड़ा, तो अभी आपको मैं इसमें सब लगा दे रहा हूँ। आपको और एक तरीका बताने जा रहा हूँ वीडियो के अंदर, आप देखिए। आप क्या करते हैं, आप वीडियो शुरू से लास्ट तक नहीं देखते बीच में, इसलिए कुछ चीज़ समझ में नहीं आता। अभी इसको ये ज्वाइंट हो चुका हुआ है, अभी दूसरा वाला देखिए ज्वाइंट हो चुका हुआ है, अभी ये लग चुका हुआ है। अभी इसमें जो होता है रिले के सॉकेट जो होता है, रिले का सॉकेट भी लगा दे रहे इधर, ये देखिए यहाँ भी लगा दिया हूँ। तभी अभी दिखा दे रहा हूँ मैं चाबी, आपको चाबी भी बता दे रहा हूँ मैं, चाबी ऑन है। अभी गाड़ी का जो कीक होता है, ये देखिए करंट, इसमें करंट देखो नहीं आ रहा है, ये देखिए। अभी किस लिए नहीं आ रहा है आप सोचोगे कि सर ने बताए थे गाड़ी स्टार्ट हो जाना चाहिए, करंट आना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता। अभी ऑफर दिखा दे रहा हूँ मैं, CDI आपने नया डाल दिए, जैसे बताया वो तरीका आप काम कर लिए। आपने यहाँ का जो होता है रिले छोटा वाला, आपने ये भी नया डाल दिए, नहीं तो डायरेक्ट कर लिए। तभी भी गाड़ी में जैसे होता है करंट नहीं आ रहा है तो उसका प्रॉब्लम और भी होता है। तो आप सोचोगे कि मैंने पिकअप कॉइल डाल दिया, CDI डाल दिया, और ये जो होता है रिले डाल दिया, तभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, उससे और भी प्रॉब्लम। एक चीज़ और प्रॉब्लम होता है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। अभी आपने देख रहे होंगे कि इधर से मैंने एक वायर निकाला हूँ, ये भी डायरेक्ट की देखो, ये भी निकाल दिया हूँ मैंने सॉकेट, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट। आप इसको अगर डिजिटल, जो डिजिटल टाइप डिजिटल किसको बोला जाता है, ये जो इंडिकेटर का या ऑन ऑफ बटन का, ये ऐसे बटन वाला रहता है, जैसे अभी बटन राइट साइड का है, इसमें आपको ऑन ऑफ बटन मिलेगा, आपको जैसे लाइट चालू करने मिलेगा, और आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलेगा ये राइट साइड में। ये देखिए अभी मैंने यहाँ से सॉकेट निकाल लिया हूँ, अगर कीक मारेंगे तभी भी स्टार्ट नहीं होता। अब इसमें क्या करना चाहिए आपको, अगर जैसे डायरेक्ट करना है इसमें, अभी देखो एक कनेक्शन इसमें निकला हुआ है, देखो यहाँ टूटा हुआ है, तो
तो इसको अभी जब ज्वाइंट कर रहा हूँ, देखो ये इसमें अभी ज्वाइंट हो चुका हुआ है। ये देखिए यहाँ से ज्वाइंट हो गया। अब इसको आपको किक मार के दिखा रहा हूँ कि गाड़ी में करंट आता है नहीं आता, आपको दिखा दे रहा हूँ। करंट तो 100% आना चाहिए। अभी इसने गाड़ी का बैटरी डाउन है, बैटरी है नहीं। ये देखिए वापस दे रहे, ये देखिए करंट आना चालू हो गया हुआ है। और बटन बटन आपको दिखा दे रहा हूँ, बटन ये देखिए ऑफ करो या ऑन करो, कुछ इसमें कुछ होता नहीं है। अभी वापस दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए करंट चालू हो गया। वापस अभी वायर निकाल दे रहा हूँ मैं, वापस निकाल लिया हूँ, नहीं हो रहा है। अभी इसको आपको और बता दे रहा हूँ तरीका इसको चेक करने का। अभी देखिए इसको भी डायरेक्ट करने का तरीका बता दे रहा हूँ मैं। अभी सबका जो सॉकेट होता है अलग अलग होता है, कभी देख लीजिए वाइट और रेड कलर का वायर और दूसरा वायर रहता है, इसको क्या करना चाहिए। ये मैंने पूरा कनेक्शन समझ लो निकाल दिया। मैं निकालने के बाद आप सोचोगे तभी भी गाड़ी का स्टार्ट हो जाएगा, करंट आना चाहिए, नहीं आएगा। आपको भी दिखा दे रहा हूँ मैं, अभी देखिए वायर निकला हुआ है, ठीक मारे करंट नहीं आ रहा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट मतलब कैसे, यहाँ एक कनेक्शन लगाना पड़ता है, ये देख लीजिए यहाँ लग गया हुआ है। अब इसको किक मार के दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए ये करंट आना चालू हो गया हुआ है। और इसमें और तरीका आपको एक बताने जा रहा हूँ मैं। अभी इसका जो आप देख रहे होंगे कनेक्शन, ये कनेक्शन है इग्निशन स्विच जो होता है उसका है। इसका मैंने समझ लिया ओपन कर दिया, ओपन कर दिया तभी भी गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होगा, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर आपका इग्निशन स्विच ख़राब रहेगा तभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अगर इग्निशन स्विच अच्छा है तो आप जब किक मारोगे आपका ऐसे होन इंडिकेटर चलेगा, समझ लेना आपका इग्निशन स्विच सही है। अब इसको वापस मैं कनेक्शन लगा दे रहा हूँ, ये कनेक्शन फिटिंग कर दे रहा हूँ, ये हो गया। अभी वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए करंट आ गया हुआ है। अब ये गाड़ी 100% इसका स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो प्रॉब्लम था ज़्यादा करके वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम था। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास इजी से पहुँच जाएगा।